Hello dear viewers, you are watching Figures of Speech part 12. In this part, we are going to learn very much interesting figure of speech, that is irony. चलिए देखते हैं things to remember. Number 1. Irony is a figure of speech in which the intended meaning is exactly opposite of the actual meaning of the words. देखिए दोस्तों, कई बार हम जो बोलते हैं बोलते कुछ और है, लेकिन बोलने के पीछे हमारा इरादा या फिर मकसद कोई और होता है, उसे हम कहते हैं आयरनी, और जनरली उसे वर्बल आयरनी कहते हैं. नंबर 2, इट मे बी अ सिचुएशन दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटी. अब सिर्फ बोलने के बारे में आयरनी नहीं होती, कभी कभी सिचुएशन के बारे में भी होती है. जो हमें लगता है वैसा आगे चलकर होता नहीं, जो कुछ हमें परिस्थिति दिखती है वो आगे चलकर विपरीत घटित हो सकती है, उसे कहते हैं सिचुएशनल या ड्रामेटिक आयरनी. चले आगे डिटेल्स में देखते हैं तीनों में क्या अंतर है. 3 टाइप्स ऑफ आयरनी. नंबर 1, वर्बल आयरनी. द स्पीकर मेक्स द यूज ऑफ वर्ड्स टू प्रेजेंट अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इंटेंड्स. मैंने पहले ही आपको बताया कि बोलते कुछ और है, लेकिन उसके पीछे इरादा कुछ और होता है. मान लीजिए कि क्रिकेट चालू है और जिस बैट्समैन से हमें ज़्यादा उम्मीद रहती है, अगर वो 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट जाता है, तो हम बोल सकते हैं, अरे भाई अगर ऐसे ही खेलते रहे तो हम जल्दी ही वर्ल्ड कप हासिल कर लेंगे. आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे मेरा बोलने का इरादा क्या है, इसे कहते हैं वर्बल आयरनी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 2, सिचुएशनल आयरनी. सिचुएशनल आयरनी अकर्स व्हेन समथिंग हैपेंस डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट इज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड. द रिजल्ट मे बी कॉमिक और सीरियस. अब देखिए, जो सिचुएशन सामने दिखती है उसे हमारे जो उम्मीद होती है वो अलग होती है, लेकिन आगे चल के उस सिचुएशन से अलग कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी जैसा हमें लगता है वैसा नहीं होता, कुछ अलग ही विपरीत आगे चलकर सिचुएशन टर्न हो जाती है, उसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी. मान लीजिए कि जैसे कि एक आदमी बाहर आंधी तूफान चालू है, फिर भी वो कह रहा है कि वाह कितनी ठंडी हवा है, और इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है घूमने के लिए, ठंडी हवा का मौज लेने के लिए, लेकिन उसे मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ड्रामेटिक आयरनी. ड्रामेटिक आयरनी happens when the characters move or act in a way which is contrary from the audience or readers expect them to do. It creates thrill in the audience or readers because they are aware of something but the characters are incognizant. अब characters को इस situation की पता नहीं होती कि आगे चलकर क्या होने वाला है. मैं आपको और एक example देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. हम हिंदी फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि एक औरत है, उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं. अब कुछ देर बाद ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि वो औरत छुप जाती है, फिर आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि वो गुंडे कहीं पर छुप जाते हैं और बेचारी ये औरत लड़खड़ाती भागती डरती हुई वो औरत जाकर वहीं पर छुपती है जहाँ पर ऑलरेडी वे गुंडे छुपे हुए होते हैं, इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी. अब ये बात है ऑडियंस जानते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर जो है वे नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, वो औरत नहीं जानती, इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी. चलिए दोस्तों, और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. नंबर 1, नो डाउट बट यू आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ऐसे लोग हैं, आप जब मरेंगे आपके साथ साथ पूरी विजडम ही मर जाएगी. लेकिन यहाँ पर बोलना कुछ और है और बोलने के पीछे इरादा कुछ और है, इसलिए यहाँ पर है वर्बल आयरनी. नंबर 2, यागो सेड माय लॉर्ड यू नो आई लव यू. यागो अथेलो से कहते हैं कि माय लॉर्ड आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन असल में देखा जाए तो अथेलो के प्रति यागो के दिल में कोई प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक हम उसे वर्बल आयरनी कह सकते हैं. लेकिन ड्रामा जैसे आगे बढ़ता है और ड्रामा हम देखेंगे या फिर पढ़ेंगे, तो
तो पता चलता है कि यागो विलन के रूप में सामने आता है, तब इसे हम ड्रामेटिक आयरनी भी कह सकते हैं। नंबर 3, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। यहाँ पर देखिए, समंदर के बीचों बीच जहाज चालू है, चारों ओर पानी ही पानी है, फिर भी पीने के लिए या पीने लायक एक बूंदी पानी का नहीं, इसलिए यहाँ पर है सिचुएशनल आयरनी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अ व्हीकल वॉज पार्क्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द नो पार्किंग साइन। ये हमारे डे टू डे लाइफ से लिया हुआ एग्जाम्पल है। हम देखते हैं अक्सर नो पार्किंग बोर्ड जहाँ पर होता है वहीं पर ज़्यादा गाड़ियाँ जो होती है खड़ी मिलती है। यहाँ पर है सिचुएशनल आयरनी। अब नंबर 5, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। डंकन सेज दैट ही ट्रस्ट मैकबेथ, बट डंकन डज नॉट नो अबाउट द प्रोफेसी ऑफ विचेस दैट मैकबेथ इज गोइंग टू बी द किंग आफ्टर किलिंग हिम। द ऑडियंस ऑन द अदर हैंड नोज अबाउट द प्रोफेसी टू। अब यहाँ पर देखिए, सिचुएशन ये है, डंकन तो कहते हैं कि मैकबेथ पर उनको भरोसा है, लेकिन डंकन को ये मालूम नहीं है कि जो चुड़ैल है वो मैकबेथ को बता देती है कि अगर आप डंकन को मारते हैं तो आपको किंग बनने का मौका मिल सकता है। यह बात ऑडियंस को पता है, मैकबेथ को पता है, लेकिन बेचारे डंकन को मालूम नहीं, इसलिए आगे क्या होने वाला है ये उन्हें मालूम नहीं, इसलिए वो बोल देते हैं कि मैकबेथ पर उन्हें भरोसा है। अब आगे चलकर क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताने वाला है। इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, यहाँ पर देखिए ए ब्लैक इमेज वाला एक लवर, उनकी एक जोड़ी है, और उसके बाद जो है एक रेड लवर वाले की जोड़ी है। अगर इमेज में देखा जाए तो लगता ऐसा है कि ये ब्लैक इमेज वाला जो ये लवर है, या फिर उसे हम कहेंगे मेल है, वो क्या करता है, इस रेड मेल को मार देता है और रेड फीमेल के प्यार के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं, यहाँ पर आगे चलकर बात ऐसी होती है कि ये जो ब्लैक वाली फीमेल है वो रेड फीमेल को मार देती है। इसका मतलब यहाँ पर भी आयरनी है, जो ये ब्लैक मेल चाहता था वो इरादा उसका पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर भी है एक ड्रामेटिक आयरनी। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स फॉर योर एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई वेदर वर्बल सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, एक इवेंट है, यहाँ से आपको पहचानना होगा कि वर्बल सिचुएशनल या फिर ड्रामेटिक आयरनी है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सेंटेंसेस ऑल्सो। नंबर 1, द किलर हिमसेल्फ कन्फेसेस हिज क्राइम विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द पुलिस। द पुलिस आर देयर जस्ट टू इन्वेस्टिगेट द श्रीक सम नेबर हैज रिपोर्टेड। हाउएवर, देयर डिलेड स्टे मेक्स द किलर वेरी नर्वस एंड ही कन्फेसेस हिज क्राइम ऑफ मर्डर इन देयर प्रेजेंस। ही इवन टेल्स वेयर ही हैज बरीड द डेड बॉडी। नंबर 2, देयर्स नोट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। ही वॉज द जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। Number 3, I've done it several times before. It's no big deal. Number 4, after looking at a student's poor test score, the teacher says, you will surely finish the year with highest honors. Number 5, I know you are so clever. So in this way, friends, these are the examples. You have to try your level best to find out whether they are verbal, situational or dramatic. So friends, in this way, I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts, in which I have discussed more than 40 figures of speech. So please do watch all the 20 parts. And if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it and like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.